ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कराला सड़क का निर्माण कई दिनों से अधूरा पड़ा है। इतवार सुबह एक बार फिर कराला गांव वासियों ने मुख्य सड़क को बंद कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस जाम को खुलवाने में असमर्थ दिखी तो दलबीर माथुर को जबरन बस में डालकर थाने ले गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। कराला का जो मुख्य सड़क ये है और कराला चौक से नाम से ही जानी जाती है, और यह पूरा का पूरा आज सुबह ही चक्का जाम कर दिया गया है। जितने भी गांववासी हैं कराला के, वो सब यहां पर सड़कों पर हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। कराला में जो प्रदर्शन है वो आम बात हो चुकी है, चाहे वो प्रदर्शन हो, धरना हो, अपनी मांगों को लेकर आए दिन यहाँ पर जो चक्के जाम होता रहता है। अब देखिए, पूरा का पूरा कराला जो रोड है वो पूरा बंद कर दिया गया। यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको बसें, ये जो खड़ी हैं गांव वासी यहाँ पर हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा का पूरा सड़क इस वक्त पूरी पूरी जाम है यहाँ पर, और सुबह से यहाँ पर जो है चक्का जाम यहाँ पर कर दिया है। सारे गांव वासी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर कि इसका जो समस्या का समाधान है। गाँव की कई सारी दिक्कतें हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये कराला की मुख्य सड़क है, काफ़ी टाइम से बनी नहीं है, और जो बनी है वो आधी बन के यहाँ पर तैयार हुई है। तो उसके लेके भी लोगों में, गांव के जो लोग हैं यहाँ पे रोष है। अब इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मुख्य मुद्दे हैं और क्या मुख्य मांगे हैं इनकी। दलबीर माथुर जी मेरे साथ में हैं। दलबीर जी, आज फिर चक्का, मतलब कि आपने रोड जाम कर दिया है, आम बात हो चुकी है मुंडका विधानसभा में ये धरने और प्रदर्शन, ऐसे क्या मांगे कि आज फिर से आप बैठे यहाँ पर? हम कई बार अपने गाँव के, अपने दिल्ली देहात के मुद्दों को लेकर हमने कई बार प्रदर्शन कर लिया। अधिकारी आते भी हैं और यहाँ आश्वासन देकर चले भी जाते हैं। ये मेरा खुद का कोई प्रदर्शन नहीं है, मेरा पूरा कराला मजरी गांव और मेरे आसपास के जो कॉलोनियों वाले भाई हैं वो सब यहाँ आए हुए हैं। तो सब अपने पर्सनली, किसी का कोई मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दों को लेकर हम यहाँ अपने रोड पर बैठे हैं, चौक पर, कराला चौक पर। हमारा जो ये रोड है कंजावला गाँव से लेकर बेगमपर चौक तक 3-4 किलोमीटर का ये रास्ता है, 3 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर के रास्ते को बनाने में कितने साल लगते हैं आप ये बताओ, कितने दिन लगते हैं? 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारे दिल्ली देहात को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर, हमारे रोड का मुद्दा लेकर, हमारा जैसे सुल्तानपुर रोड है, सुल्तानपुर रोड पर 2 फुट पानी खड़ा हुआ है और यहाँ से बहुत सारे व्हीकल गुजरते हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं 3-4 साल हो गए वहाँ भी। हमारा जो मेन मुद्दा तो रोड का है, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे बहुत हैं। और एक जो बड़ा मुद्दा हमारा कराला गांव का शमशान घाट है, शमशान घाट में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों पे 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है। गांव में इतना बड़ा गांव है, दिल्ली देहात का सबसे बड़ा गांव है, पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा गाँव है, 360 गाँव में कराला सबसे बड़ा गाँव है। कराला गाँव में अचानक कोई हादसा हो जाता है और हादसे हो भी रहे हैं। हम जब शमशान घाट पर जाते हैं, हमारे बुजुर्ग जब शमशान घाट में जाते हैं तो हमारे को बोलते हैं कि भाई तुम अपने गांव के लिए क्या कर रहे हो, तुम मिलजुल कर प्रदर्शन करो, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो, अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करो, ताकि हमारे काम हो जाए। इतना बुरा हाल हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा रहा, 2-2 फुट पानी के अंदर से हम शमशान घाट में जाके और अंतिम संस्कार करते हैं, इससे बुरा हाल कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, ना हमने देखा। और बाकी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे आप पूछो, ये और अपने दिल की बात बताएंगे, अपने इनके दिल में जो परेशानियाँ वो बताएंगे। तो हम इस रोड पर बैठे हैं, चौक चक्का जाम लगा दिया हमने, इसके बावजूद
आश्वासन, हमें कोई अधिकारी आके ये कहेगा कि भाई आश्वासन तो हमने कई बार लिखित में कोई भी अधिकारी ये देव गई इतने दिन में ये रोड बन जाएगा समाप्त कर देंगे, हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अपने मुद्दों को लेकर हम हमेशा अपने कराला गांव, मैं कराला गांव के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ये मेरा परिवार है, मेरा गांव है और इस गांव का मैं एक छोटा सा सदस्य हूं कराला गांव का। हमेशा अपने गांव के मुद्दों को लेकर हम थोड़ा बहुत मड़वा भी डलवाया लेकिन काम नहीं किया, रोड नहीं बना, रोड ऐसे ही पड़ा है, पर्सनली व्हीकल टूट रहे हैं, ऐसे भी है। मैं आपको, आप मेरे साथ चलो, आनंदपुर धाम में एक भाई है जो यहाँ पे हमारे चौक पर वो प्रेस बेल्ट और ये छोटे मोटे आइटम बेचता था, दुकान थी उसकी छोटी सी, वो DTC बस में से गिर के उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और पिछले 2 साल से वो अपने घर में पड़ा, खड़ा नहीं हो सकता। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उस बच्चे को बेचारे को खाने के पैसे नहीं है, घर में उसके लिए राशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारा हम जो भाई सामाजिक जो कार्य करते हैं उनकी जाकर मदद करते हैं। तो ऐसे ऐसे हादसे बहुत होने लग रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ व्हीकल टूटते रहते हैं। यहाँ से इतनी बड़ी मार्केट है, मार्केट में जैसे ये फल फ्रूट है, पीछे देख लो आप, फल फ्रूट बिक रहे हैं, इन पर कितना रेत जमता है, तो इतनी परेशानियाँ हैं। उन सभी परेशानियों को लेकर हमारा ये मुद्दा है रोड का और हम इसलिए रोड पर बैठे हैं। और जब तक हमारा कोई अधिकारी यहाँ आके नहीं कहेगा, लिखित में नहीं बताएगा, हम जब तक बैठे हैं। इस चीज़ को तो आप मानते होंगे कि कोरोना की वजह से भी सरकार को जो नुकसान हुआ है, काम रुके हैं कई सारे। दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार 7 साल से है, कोरोना तो अभी 1.5-2 साल से ही तो हुआ है, उससे पहले के 5 साल कहाँ गए? 1.5 साल से तो कोरोना है, उससे पहले तो कोरोना नहीं था। ये रोड इतना बड़ा रोड है और ये हाईवे से कम नहीं है, यहाँ 2 लाख आदमी इधर उधर होते हैं सुबह से शाम तक, तो इतना बड़ा ये सारा बॉर्डर को टच करता है, उचंदी बॉर्डर निकलता है इस गांव अपना रोड सीधा, तो 1.5 साल से कोरोना है। अब कोरोना कितने दिन हो गए? ये इस रोड को बनाने में अगर कोई मजबूत तरीके से इस रोड को कोई बनाए तो इस रोड को बनाने में भाई 15 दिन बिना लग गए, सिर्फ 15 दिन। अभी आज देखो थोड़ी सी दूर चल के नीचे से पाइप फटे हुए हैं, जल बोर्ड का कोई ध्यान नहीं है, जल वैसे तो गांव में पानी नहीं आता, पानी आता तो गंदा आता है और रोड पे पानी सीधा से खुला चल रहा है। क्या प्रशासन को ये रोड, ये पानी दिख नहीं रहा? ये पानी ऐसे फ्री का आ रहा है क्या जो रोड के ऊपर चल रहा है? इसमें आके नट बोल्ट कसे जाए इसके तो पानी की निकासी, उन पानी का बिल्कुल वो ठीक हो जाए, साफ पानी जाए, इसी में से मिक्स होकर गंदा पानी गाँव में जाने लग रहा है। चारों तरफ गाँव के पानी भरा हुआ है, सारे नाले बंद पड़े हैं। अब इधर देख लो, गाँव के इधर देखो, चारों तरफ जल भरा होगी, इतनी बड़ी दिक्कत है, कोई मतलब आने वाला समय ना बहुत खतरनाक होने वाला है। और सरकार का ध्यान बिल्कुल हमारे गांव पे बिल्कुल नहीं है, हमारा गांव मतलब पूरा दिल्ली देहात के गांव। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर